भाई सबको राम राम। जय शिवाजी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और भैया सब ठीक हो भाई? उम्मीद करता हूँ जितने भी पहलवान जुड़े हुए हैं पेज से, जितने भी महाराष्ट्र के हों या सभी हिंदुस्तान के जितने भी और हैं इसके, राम राम भैया। आप सब खुश होंगे और अपने घर पे रह के लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे, और नमस्कार भाई, नमस्कार, राम राम भाई सबको। दिवाकर जी राम राम। भैया अब पहलवानों के साथ आज इस पेज से जुड़ा हूँ मैं, महाराष्ट्र का पेज है कुश्ती मलविदा। पहले तो सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी भाई हैं कि आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखो। आप ये शब्दों कि आपने अपने आप को और अपने परिवार को बचा लिया तो हिंदुस्तान को बचा लिया। इसलिए आप घर से बाहर कोई ना निकले, कोई ज़रूरी काम हो तभी निकलिए, निकलो, आप घर पे रहो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, सोशल डिस्टेंस बनाए के रखो। अबे जितने भी पहलवान हैं, जितने भी इस पेज पे हैं खिलाड़ी, पहलवान या और कोई भी हो, आप अपनी मेहनत घर पे कीजिए, क्योंकि बहुत सी एक्सरसाइज हैं तो घर पे हम कर सकते हैं, उसमें हमारी जो पुरानी पहलवानी होती थी, उठक दंड बैठक हैं, बैठक और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं घर पे। सभी पहलवान अपना वेट भी रखते हैं थोड़ा बहुत, तो ऐसा करने के लिए। आप सुबह शाम ट्रेनिंग जरूर कीजिए, और महाराष्ट्र तो वैसे भी पहलवानों की धरती है, उधर महाराष्ट्र से बहुत ज़्यादा पहलवान निकले हैं। कुश्ती में देश का पहला ओलंपिक मेडल KD जादव जी ने हिंदुस्तान को दिलाया था, और पहला इंडिविजुअल मेडल भी उन्हीं का था। भाई नमस्कार सबको, नमस्कार। और आज के टाइम में महाराष्ट्र कुश्ती मिट्टी की तरफ ज़्यादा रुझान है महाराष्ट्र के पहलवानों का। उसके साथ साथ आप मैट पे भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर की, आप वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो या कुछ भी हो, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, मतलब जो UWW की कुश्ती है वो मैट पे होती है, ना कि मिट्टी में। आप इसलिए, और आपके वहाँ से तो पहलवान भी, जैसे अभी फिलहाल राहुल आवारे है, कॉमनवेल्थ गेम्स अभी 2018 में देश को उसने गोल्ड दिलाया, अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल आया था। आप उनको देख के मेहनत कीजिए। बहुत समय बाद मास्टर की मिट्टी से कोई इतना अच्छा पहलवान निकला है जिसने विश्व स्तर पे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। आप भी राहुल आवारे की तरह बन सकते हो, पर उसके लिए आपको मिट्टी के साथ साथ मैट पे भी प्रैक्टिस करनी होगी। मिट्टी हमारा प्राचीन खेला कुश्ती है, और मिट्टी की कुश्ती बहुत ज़रूरी है, वो नहीं छोड़नी, पर हमें आगे बढ़ने के लिए तो मैट पे आना पड़ेगा। और पुराने पहलवान भी जिसने एशियन गेम्स में भी गोल्ड जीते हैं, और भी बहुत ज़्यादा पहलवान हुए हैं, मारुति माने हुए हैं, दादू चोगले हुए हैं, हरिश्चंद्र बिराजदार हुए हैं, बहुत पहलवान हैं, नाम भी नहीं, मैं नहीं ले पाऊंगा शायद सबका, बहुत ज़्यादा पहलवान हुए हैं। भैया नरसिंह यादव बॉम्बे रहते हैं, वो महाराष्ट्र से लड़ते भी हैं, पर वो वैसे बनारस के हैं, दो स्टेट के बोल सकते हैं उनको, यूपी का भी और महाराष्ट्र का भी। नरसिंह यादव भी बहुत अच्छे पहलवान हैं, और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में उनका भी ब्रॉन्ज मेडल है,
देश को बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिलाया, उन्होंने भी एशिया चैंपियन भी बने हैं वो। आप जितने भी पहलवान हैं, आप अपना टारगेट बड़ा बनाइए ओलंपिक चैंपियन वर्ल्ड चैंपियन बनने का, उसको पूरा करने के लिए आप दिन रात मेहनत करनी होगी। हिंदुस्तान के जितने पहलवान हैं, चाहे पुराने पर कोई भी हो, आप उनका इतिहास उठा के देखिए, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है आगे बढ़ने के लिए, और बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता। मेहनत तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। अभी लॉकडाउन में सभी लॉकडाउन में अपने घर पे होंगे, तो यहाँ भी आप प्रैक्टिस कीजिए और साथ में योगा भी कीजिए। ध्यान लगाइए, अपना कुश्ती के बारे में सोचिए, क्योंकि अगर आप ध्यान लगाना आपने सीख लिया, मेडिटेशन भी बोल सकते हैं उसको, ध्यान लगाना आपको आ गया, अगर आपके दिमाग अपने आप को दिमाग को एक स्थान पर लगाना आपको आ गया, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। कुश्ती लड़ते टाइम आपका ध्यान पूरा कुश्ती में रहेगा, तो उसको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। ध्यान बाहर ना जाए, भटके ना, आप प्रेशर में ना रहो, दबाव में ना रहो। भैया महाराष्ट्र के पहलवान बहुत ज़्यादा, हमें सबके बारे में नाम नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पहलवान रहे हैं। एक दिन लग जाएगा, महाराष्ट्र कुश्तियाँ गढ़ रहा है। काका पवार हैं भाई, गरीब कोरमन के पहलवान हुए हैं, बहुत बढ़िया पहलवान है। भैया मैं जिद्दी नहीं हूँ, भैया मैंने जिद एक जगह की है, बस कुश्ती के लिए मैंने जिद की थी है, मेडल लेने के लिए मैंने जिद की थी, ओलंपिक मेडल पाने की मेरे को जिद थी बचपन से ही, उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। जिद्दी होना बहुत अच्छी बात है, पर जिद वो आपकी तभी पूरी होगी जब आप उसके लिए मेहनत करोगे, और जिद से ही कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। संकेत यादव बहुत बढ़िया, धन्यवाद भाई, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, आप भी अपना ध्यान रखो, परिवार का ध्यान रखिए। वो है ना कि जिद करो दुनिया जीतो, आपको जिद करनी होगी ओलंपिक मेडल जीतने की, वर्ल्ड ओलंपिक गोल्ड जीतने की, वर्ल्ड चैंपियन बनने की। अगर आप जिद करोगे, उसके लिए मेहनत करोगे, तो आपको जीत जरूर मिलेगी। इसलिए जिद्दी होना बहुत ज़रूरी भी है, किसी अच्छे काम के लिए आप जिद्दी होगे तो बहुत बढ़िया बात है। जो भी पहलवान मेरे को लाइव देख रहे हैं, जितने भी हैं, और हमारे इसमें मैंने अभी देखा था कि हमारे पहलवान है कृष्ण पहलवान भैयापुरिया, भारत के सिर रहे हैं, मिट्टी के बहुत बड़े मल्ल हैं वो आज के टाइम में भी, वो भी शायद आपके साथ लाइव हुए होंगे, उनसे भी आप सीख सकते हो। आप अपना एक टारगेट बनाइए, बड़ा टारगेट, जब आप ओलंपिक चैंपियन वर्ल्ड चैंपियन बनने का टारगेट बनाओगे, तो जो छोटे मोटे टारगेट तो बीच में ऐसे ही सीढ़ी आते रहेंगे, चढ़ते रहोगे। अगर आपको छत के ऊपर जाना, तो बीच सीधी आप ऊपरली पैड़ी पे नहीं पहुंच सकते, आपको बीच में जितनी भी पैड़ियाँ सबसे हर सीढ़ी आपको क्रॉस करनी होगी। इसलिए आप छोटे मेडल की मत सोचिए, बड़े मेडल की सोचिए, उसके लिए मेहनत कीजिए, छोटे मेडल तो अपने आप मिल जाएंगे। भैया अभी मेरा फेवरेट पहलवान तो मेरे जिससे मैंने कुश्ती मतलब एक बड़ा पहलवान बनने की सोची, मेरे गांव के बलराज पहलवान थे, बहुत बड़े पहलवान थे, उनका कुश्ती के दौरान देहांत हुआ था। उनका नाम सुन के ये था कि मेरे को एक बड़ा पहलवान बनना है, और ओलंपिक मेडल की मैं बताता हूँ हर बार कि 1996 में लिएंडर पेस का ब्रॉन्ज मेडल आया था टेनिस में, तब मेरे को पता लगा था कि ओलंपिक भी कुछ होता है और इसका ऐसे ऐसे आया था, तब मेरे मन में था कि मेरे को भी मेडल जीतना ओलंपिक में। भैया महाराष्ट्र के पहलवानों को मैं ये सलाह दूंगा, सोमनाथ चौहान जी की मिट्टी के साथ साथ मैट की कुश्ती पे भी ध्यान दें, क्योंकि अगर आपको ओलंपिक चैंपियन बनने का आपको सपना देखते हो, वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना देखते हो, एशिया चैंपियन बनने का आप सपना देखते हो, तो आपको मिट्टी पे आना पड़ेगा, उस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अजीत माने जी धन्यवाद, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। इसलिए खासकर महाराष्ट्र के पहलवानों को से मैं ये अपील करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि आप मिट्टी के साथ साथ मैट पे भी ध्यान दें। पुणे में भी अखाड़ा है एक, महाराष्ट्र में जैसे कोल्हापुर तो गढ़ रहा ही है, पर पुणे में भी पहलवान हैं अच्छे अच्छे, और राहुल आवारे पुणे ही प्रैक्टिस करता था और अभी भी करता है। इसलिए सभी मैट पे और ज़्यादातर टेक्निक प्रैक्टिस पे ज़्यादा जोर लगाएं,
फोन से दूर रहें जब तक आप प्रैक्टिस करते हो, फोन कम से कम यूज करो, भैया। हरियाणा के पहलवान, मैंने बताया ना कि हरियाणा के हर इंसान एक, हर इंसान में एक जुनून है, किसी भी चीज़ के पीछे लगते तो जी जाने एक लगा देते हैं, किसी कोई भी काम हो चाहे वो, एक कुश्ती की बात नहीं है, कुश्ती के पीछे, खेलों के पीछे लगे तो आप देखिए हर खेल में हरियाणा के खिलाड़ी सबसे ज़्यादा मिलेंगे, वो कुश्ती हो, कुश्ती में तो कभी से हैं, या बॉक्सिंग हो, जूडो हो, कुछ भी हो, हॉकी हो, भैया खासा बात ज़्यादा हो, इंडिविजुअल मेडल जीतने वाले ओलंपिक में पहले भारतीय थे, और कुश्ती का पहला मेडल भी उन्हीं ने जीता था 1952 में, केडी जादव जी ने, बहुत भैया सुजीत मान बहुत अच्छे पहलवान रहे हिंदुस्तान के, उनके साथ बड़े बड़े पहलवान भी लड़ने से डरते थे, वो मिट्टी के भी और मैट के भी दोनों के बहुत अच्छे एक नंबर के पहलवान है, जब तक उन्होंने पहलवान नहीं कि उनका अपने वेट में और एक तरफा उनका वर्चस्व रहा है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला हमें, सुजीतमान है और अनु चौधरी पहलवान है, राजीव तोमर है, क्योंकि मैं और सुशील बचपन छोटे छोटे जब उनके साथ रहने लगे थे कैंप में 2000 से हमने उनके साथ में रहे, हमारे सीनियर थे वो, उनसे कुश्ती के बारे में बहुत कुछ सीखा है, कृपा शंकर पहलवान है, मेरे वेट का ही था, उसी मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला क्योंकि उसी के साथ मेरी कुश्ती होती थी, इसलिए कृपा शंकर पहलवान से मैंने बहुत कुछ सीखा है। परविंदर पाटिल भी बहुत अच्छे पहलवान रहे हैं अपने वेट के, पर वो लंबा टाइम नहीं वो कुश्ती कर पाए, और हर चीज़ टाइम मांगती है, आपकी पहचान तभी बनेगी जब आप लंबे टाइम तक अपने एक टिके रहोगे एक जगह पे, अपने वर्चस्व को कायम रख पाओगे, इसलिए बहुत छोटा टाइम था उनका कुश्ती का, 2-4 साल मतलब रहे वो नेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। भाई हाँ विजय चौधरी भाई 2-3 बार वो मास्टर केसी बने भाई, बहुत अच्छे पहलवान, पर वो मैंने बताया नहीं कि मिट्टी में ही पहलवान नहीं, क्यों मिट्टी में लड़के मिट्टी में रह गए वो, इसलिए मैच पे वो नहीं आ पाए, और मास्टर के पहलवान के साथ हम बहुत बहुत ज़्यादा कैम में रहे हैं, राव अलावर तो बचपन से मेरे साथ रहा है, कैम में रहा है, बहुत शरीफ और अच्छा पहलवान है, बहुत ज़्यादा मेहनती था, उसको भी मेरी तरह इंजरी बहुत ज़्यादा हुई, इंजरी की वजह से वो भी थोड़ा हा जो उसको मिलना नहीं मिलना चाहिए था उसको नहीं मिल पाया, क्योंकि इंजरी खिलाड़ी के जीवन में रुकावटें पैदा करती रहती हैं। भाई पॉलिटिकल पहलवानों के साथ में ये मतलब ये पॉलिटिकल अलग चीज़ है, पॉलिटिक्स अलग चीज़ है, हर चीज़ अलग है, खिलाड़ी एक ज़िंदगी एक अलग है, खिलाड़ियों को उस चीज़ में जब तक पहलवान नहीं करें नहीं घुसना चाहिए। भाई सुशील पहलवान हिंदुस्तान के एकमात्र पहलवान है जिसने 2 ओलंपिक मेडल जीते हैं, और हम दोनों एक साथ बहुत लंबे समय तक हमने कुश्ती करी और साथ में रहे, सदा स्टेडियम में एक ही जगह रहे, बहुत पहलवानों के वो आदर्श हैं, वर्ल्ड चैंपियन बने देश के इकलौते वर्ल्ड चैंपियन पहलवान हैं। देखिए भैया अन्याय उसके बारे में हम नहीं बोल सकते, और वो चीज़ें हैं, खिलाड़ी कोई भी उसको खुद अपना ध्यान रखना पड़ता है उसमें, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, और एक लेवल पे जाने के बाद खुद की जिम्मेवारी बनती है कि हम अपना ध्यान रखें, लापरवाही ना बरतें। भाई ओलंपिक का भी नहीं पता 2021 में ओलंपिक है कि कौन क्वालिफाई करेगा 74 kg में, सभी पहलवान बहुत अच्छे हैं उसमें, चाहे कोई भी हुआ 74 kg क्वालिफाई होना है, अभी जितने पहलवान सभी अच्छे हैं।
भाई अब महाराष्ट्र और हरियाणा के पहलवानों की शैली में कोई फर्क नहीं है, बस हरियाणा के पहलवानों में ये फर्क है कि वो बचपन से ही मैट पे ट्रेनिंग मिट्टी के साथ साथ मैट पे प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं, और एक चीज़ जुनून बहुत ज़्यादा है भाई हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं पहलवान उनमें जुनून है मेहनत करने का। भाई अभी मन्नू यादव बिल्कुल वो अच्छा पहलवान रहा है, कब पहलवानी उसने ज़्यादा नहीं की, बहुत कम समय तक उन्हें पहलवानी की, वो उसमें जो प्रतिभा थी वो उसके साथ न्याय नहीं कर पाए, जल्दी उन्होंने पहलवानी छोड़ दी, और क्योंकि हैदराबाद में तो कुश्ती इतनी नहीं है, दिल्ली वो आए थे स्टेडियम में, सत्रह स्टेडियम में हमारे साथ में वो रहे थे, थोड़े दिन आगे चले गए, और ऐसे मास्टर के पहलवानों में भी दिक्कत है वो, क्योंकि मैं अकेडमी चलाता हूँ, यहाँ भी मास्टर के पहलवान आते हैं और शायद अब महीना दो महीने रुक के भाग जाते हैं, क्योंकि जिस वो पहलवानी मास्टर के पहलवान वो पहलवानी नहीं कर पाते जो होनी चाहिए, वो थोड़ी अपने अलग मास्टर की पहलवानी अलग है, इसलिए मिट्टी में ज़्यादा है, मिट्टी वाली पहलवानी करते हैं, वो जो मैट के हिसाब की पहलवानी है वो नहीं कर पाते, इसलिए अकेडमी भी आते हैं और स्टेडियम में भी देखा, छतरा स्टेडियम में मैं देखता था कि पहलवान आते थे और दो महीने तीन महीने रुक के भाग जाते थे, रुकते नहीं वो, वो वहीं पर रहते हैं, पर कोई बात नहीं भाई पहलवानी करनी है कहीं भी आप कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो आप, मास्टर में भी अच्छे पहलवान रहे हैं, अच्छे अखाड़े हैं, अच्छे सेंटर चल रहे हैं, आप वहाँ पर रह के भी पहलवानी कर सकते हो, पर भाई आपको मैट की करनी है तो मैट के हिसाब से ही उस तरीके से आपको लड़ना होगा। भैया मास्टर चंदगी राम हिंदुस्तान के बहुत गिने चुने, मतलब कुछ गिने चुने पहलवानों में आते हैं, वो एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और उनका जो उनके बारे में जो कहा होता है कि उनके हाथों में बहुत ज़्यादा ताकत थी, और लंबे समय तक उन्होंने भी भारतीय कुश्ती को आगे बढ़ाया है, और कुश्ती का नाम रोशन हुआ, हिंदुस्तान का नाम रोशन हुआ उनकी वजह से। भाई योगेश दौड़ के मेरे हमारे अच्छे मित्र भी रहे हैं, योगेश दौड़ के महाराष्ट्र से वो ग्रीको रोमन में अच्छे पहलवान रहे हैं, मिट्टी में भी ठीक कुश्ती लड़े हैं, वो बहुत बढ़िया पहलवान किया है कैम्प में। भैया अगर वो पहलवानी करता है सौरान सुमीर अगर करता है तो कोई अच्छी बात है, उसको पहले करवाइए, अभी तो लॉकडाउन के बाद में आप उसको लेके आ सकते हो। भैया पुलिस में हरियाणा पुलिस में जितने भी खिलाड़ी हैं उनको पूरा टाइम मिलता है, वो फ्री रहते हैं जब तक गेम करते हैं, वो पुलिस का कोई उन पर प्रेशर नहीं होता, और थोड़ा फर्क है हरियाणा में, अब जैसे कुश्ती खेलों का पूरा माहौल है तो हरियाणा पुलिस में जितने भी खिलाड़ी हैं उन पर इतना प्रेशर नहीं होता, और कैंप लगे रहते हैं तो कैंप में प्रैक्टिस करते हैं, नहीं होते तभी भी सुबह शाम प्रैक्टिस करते हैं, और बहुत कम ड्यूटी तो नहीं करनी पड़ती जब तक भी वो गेम करते हैं, टीम में रहते हैं तो प्रैक्टिस के लिए फ्री होते हैं बिल्कुल, कहीं नहीं जाना पड़ता उनको, हरियाणा में ये चीज़ें हैं, शायद मास्टर में भी होंगी। भाई प्रवीण राणा भी बहुत बढ़िया पहलवान रहे हैं 70 kg में, वो भी ओलंपिक किट के दावेदार हैं ओलंपिक में जाने के लिए, और अभी ट्रायल होगी पर अभी नहीं बता सकते कि कौन जाएगा, क्योंकि जितेंद्र भी है, प्रवीण राणा भी है, अमित धनखड़ भी है, और सुशील तो है ही, खर तैयारी में लगा हुआ है, ये चार पांच पहलवानी में से देखो, एक ये जितने भी हैं, एक बाल्यांग लड़का है वो नया बिल्कुल आया, बिल्कुल नया बच्चा वो भी आया 74 kg में, अभी ट्रायल होंगे उसके बाद ही कुछ होगा, और अभी तो सबसे पहले तो कोरोना इसे जीतना हमें। जितने भी नए बच्चे जूनियर छोटे बच्चे हैं उनको ये है कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन लाइफ जीनी होगी आपको आगे बढ़ने के लिए, आज के टाइम में कुश्ती पर पूरा फोकस करना होगा, आप कुश्ती पर फोकस करोगे, कुश्ती के बारे में सोचोगे दिन रात तो आप ज़रूर आगे बढ़ोगे, कुश्ती ये नहीं है कि अपने 2 घंटे सुबह प्रैक्टिस कर ली, 2-3 घंटे शाम कर ली, और पूरा जो बचे हमारे 20 घंटे उससे अलग सोने के दिन में जो खाने पीने के उसमें कुश्ती के बारे में ना सोचें, ऐसा नहीं है, आपको जब भी जागते हो उठते बैठते सोते जागते आपको कुश्ती के बारे में सोचना पड़ेगा, शाम को सोने से पहले भी आपको कुश्ती के बारे में सोचना होगा, अपने बारे में आपने क्या प्रैक्टिस की, अगर आपने जोर किए हैं प्रैक्टिस की है तो आपकी क्या कमियां रही हैं, किसी पहलवान ने आपसे पॉइंट लिया है जोरों में तो कैसे लिया है और कैसे अगली बार ना दो, वो चीज़ सोचनी पड़ेगी आपको आगे बढ़ने के लिए। पर जस्सा पट्टी बहुत बढ़िया पहलवान है भाई, दंगली पहलवान है वो भी, और इस पे मेरे को जहाँ तक लगता है भाई सुखविंदर मोर भी देख रहा है, भाई सुखविंदर मोर ये अखाड़ा चलाता है बहुत बढ़िया भाई, अच्छी बात है, ये रोहतक में अकेडमी चलाते हैं अपनी,
बहुत बढ़िया भैया, खिलाड़ियों को आगे निकालने का काम कर रहे हैं पहलवानों को भाई। बिल्कुल मेरे 5 ऑपरेशन हुए हैं भाई, दोनों पैरों के, मेरे लिगामेंट के एसीएल का एमसीएल का, दोनों पैरों के एसीएल के लिगामेंट और एमसीएल के ऑपरेशन हुए हैं भाई। ऑपरेशन के बाद रिहा अच्छा करो और आप वापसी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस मेहनत तो आपको ऑपरेशन होने बाद ज़्यादा करनी पड़ेगी, अपने उस पर ध्यान देना पड़ेगा भाई। जस्सा पट्टी के बारे में क्या बोलूँ मैं, ये बताओ। जस्सा पट्टी के बारे में बोल दिया कि बहुत बढ़िया मिट्टी के पहलवान है, मैट पे तो अच्छा नहीं लड़ते, मिट्टी में बहुत अच्छा और बहुत कम उनसे लड़ने वाले हैं, बहुत बड़े पहलवान है पंजाब के। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ जस्सा पट्टी के बारे में, जितना मेरे को पता उतना मैंने बोल दिया। अब जस्सा पट्टी के भारत के श्री भी हैं, सब कुछ हैं, पर विदेशी मैट के बारे में तो उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैट पे वो कुश्ती नहीं लड़ते और मिट्टी पर लड़ने वालों की वहीं स्टार्ट हो गई, वहीं ख़त्म हो जाती हैं बातें भाई। मेरी बात आपको सभी को शायद बुरी लगेगी, पर सच्चाई यही है, मिट्टी के पहलवान दंगल। अब ये मैं क्या क्या बताऊँ कि वो उसमें वो पहली झंडी पे कहाँ कहाँ लड़े हैं, छुट्टी देते हैं भारत के श्री बन के, हिंद के श्री बन के 2-3 टाइटल जीतते रहते हैं भाई, लड़ते वो। हाँ मिट्टी के बहुत बढ़िया पहलवान है, पर अब ये मैं कैसे बताऊँ कि मैट पर उन्होंने क्या क्या किया, क्योंकि मैट बहुत कम सुनने मिलती है। राम राम भाई सौरभ दैया, राम राम। मैं अपनी एक भाई मेरे को वेजिटेरियन के बारे में पूछ रहा था, मैं भाई वेजिटेरियन हूँ, और आप ये सोचते हो कि हम चिकन खाने से या नॉन वेजिटेरियन होंगे तभी हमें ताकत बढ़ेगी, हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप वेजिटेरियन रहते हुए भी नॉन वेजिटेरियन से ज़्यादा ताकत हो सके, क्योंकि ताकत होती है मन में, आप क्या मेहनत करने से ताकत बढ़ती है, कुछ खाने से नहीं बढ़ती। नहीं तो हिंदुस्तान में 50-60% तो खाते होंगे, क्या सभी ताकतवर हैं? आम इंसान भी नॉन वेजिटेरियन है, उनमें ताकत नहीं मिलेगी। ताकत तो मेहनत से बनेगी और अपने हमारे मन में जो ताकत है वो होती है असली ताकत भाई। रोहित पटेल भी बहुत अच्छे पहलवान रहे हैं, वो भी मिट्टी में ज़्यादा कुश्ती लड़ी हैं, मास्टर के बहुत ज़्यादा, मास्टर में पंजाब में मास्टर में बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं भाई रोहित पटेल के, और बहुत अच्छी कुश्ती लड़ते थे वो मिट्टी पे, मैच पे भी कुश्ती लड़ी है उन्होंने, अच्छा किया, पर मैच पे ज़्यादा वो मिट्टी में ज़्यादा फोकस रहा, उनको मिट्टी पे की तरफ ज़्यादा हो रहे हैं। ऐसे ही जैसे कि अभी कृष्ण के बारे में बता दी, कृष्ण भी मैच पे भी लड़ता है कृष्ण तो, पर मिट्टी में ज़्यादा कृष्ण का भी ध्यान रहा है। भाई कुश्ती में अल्ताफ मुकंदर भाई, कुश्ती मैंने जब स्टार्ट की, मैं 7 साल का, 6-7 साल की एज में कुश्ती स्टार्ट की थी, ऐसे ही बच्चों के साथ गया था, लड़ते झगड़ते हुए, और मेरे को मिट्टी में देखे बच्चे खेलते तो भी मैं खेलने लगा। मेरे चाचा जी थे मास्टर सतवीर, जो मेरे पहले गुरु थे, जिन जहाँ से मैंने कुश्ती शुरुआत की, वो मेरे को बोले कि मेरे को जानते, मेरे अंकल लगते थे कि रोज़ आया कर, मैं फिर रोज़ जाने लगा। फिर मैंने बताया कि बल्लाल पहलवान नाम सुना कि ऐसे ऐसे बहुत बड़े पहलवान थे, ऐसे कुश्ती के दौरान ध्यान, तो फिर मेरे मन में आया कि मेरे को बड़ा पहलवान बनना है। बस ऐसे यही है भाई कि गांव से, मतलब एक भगवान की कृपा थी, आशीर्वाद था, जो मैं अकाडमी लड़ते हुए बच्चे साथ गया और मैं, मेरे को अच्छा लगा भाई। दीपक पुनिया बहुत अभी जूनियर है, 19-20 साल का है, ओलंपिक क्वालिफाई कर लिया, सिल्वर मेडल आया इस उम्र में, 18 साल के एज में वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल आना बहुत बड़ी बात है, ओलंपिक में बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं उससे। पर मैं उसके बारे में यही कहूँगा कि ओलंपिक में अपना बेस्ट दे, बिना दबाव के खेले, क्योंकि लंबा टाइम है कुश्ती में उसको, उसके पास ओलंपिक मेडल ज़रूर आएगा, उसको मेहनत करेगा तो। अभी 2021 में ओलंपिक है, इसमें तो अगले में, क्योंकि अभी बिना दबाव के खेले, अभी अनुभव नहीं है उसको, इतना नया है बिल्कुल भैया। ओलंपिक खासा बता दो कि सम्मान में ये है कि कुश्ती के बहुत बड़े सितारे थे वो, कोहिनूर भारतीय कुश्ती का, वो हमारे आदर्श हैं, क्योंकि पहला ओलंपिक मेडल उन्हीं का आया था, कुश्ती का लगाओ या इंडिविजुअल मेडल लगाइए, उन्हीं का था पहला ओलंपिक मेडल भाई। शोभना गोगा ने, इसके बारे में मैंने कभी सुना नहीं कौन है ये, सॉरी, क्योंकि मिट्टी के पहलवानों, जो बड़े पहलवान ज़्यादा वो नामी गिरामी उनका मेरे को पता होता है, जो वैसे होते नहीं पता होता भाई, जो भी हैं आपको मेरी बात बुरी लगी होगी, क्योंकि मैं, पर जिसके बारे में मैं नहीं जानता उसके बारे में नहीं बोल सकता। ये शोभना गोगाने कौन है भाई, अगर पहलवान अच्छा है तो बहुत बढ़िया बात भाई, मिट्टी का पहलवान होगा इसलिए मैं नहीं बता पा रहा,
और अगर आप मैच का तो आप बता दीजिए, मैंने कुश्ती इसकी देखी होंगी भाई, उसके कारण बहुत बढ़िया पहलवान रहे हैं और अभी भी कुश्ती करते हैं, बहुत बढ़िया कुश्ती लड़ता है भाई उस काले। वो अलग बात है कि अभी उस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो अपना नाम नहीं चमका पाया, पर वो मेहनत करेगा ज़रूर अच्छा होगा, उसकी कुश्ती बहुत अच्छी होती है। हिंदुस्तान के बड़े बड़े पहलवानों, मतलब अपने वेट के बड़े बड़े नामी पहलवानों को उसने हराया है। उत्कर्ष कालिया मुझके कैंप में भी रहा साथ में, बहुत शरीफ और अच्छा बच्चा है, बहुत ज़्यादा मेहनती है, कुश्ती लड़ने का स्टाइल बहुत अच्छा है उसका, और कुश्ती लड़ने का क्या मास्टरी, जितने पहलवान कैंप में आते हैं उनका स्टाइल तो अच्छा होता ही है भैया। महाराष्ट्र के पहलवान मेरे सारे दोस्त हैं, योगेश दौड़ के हुआ, राहुल आवारे हुआ, मेरे से जूनियर राहुल आवारे, फिर भी भाई मेरा बहुत अजीज है, मेरा छोटा, मेरा बहुत प्यारा मित्र है, वो मेरा जूनियर है, और जो उसकी शराफत है, सादगी है, वो बहुत बढ़िया है भाई। राजेंद्र मोर पहलवान भाई, बहुत देश के पहलवान, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में के गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो, उस टाइम के बहुत बड़े पहलवान, वो मिट्टी के भी इतने तगड़े पहलवान, और मैट के भी भाई बहुत कम, 74 के जी के पहलवान हुए हैं राजेंद्र मोर, उनसे बहुत कम लड़ने वाले मिले हैं, और उनके हाथ और पैर कुश्ती में दोनों चलते थे, वो पूरा टाइम शायद किसी पहलवान को लड़ने देते हों, पर उनका यह है कि वो मिट्टी में जितने अच्छे मिट्टी में लड़ते उतने अच्छे मैट पे भी वो लड़ते थे। भाई मेहनत सुबह शाम करते हैं, और भाई जब कुश्ती करता था, जब भी मेरी आँख अगर मेरे को नींद, उसी टाइम मेहनत कर लेता था, अगर रात को 12-1 बजे मेरे को नींद नहीं आती तो मैं उठ के मेहनत करता था भाई। भाई दोनों गुरविंदर पहलवान ग्रीको रोमन के बहुत बड़े पहलवान हैं, ओलंपियन हैं भाई, और रविंद्र पाटिल की भी कुश्ती हुई है भाई, दोनों आपस में एक दूसरे को हराया भी है, और कुश्ती में तो कुश्ती की अर्ध चलती है भाई, दो पहलवान लड़ेंगे, एक तो हारेगा एक जीतेगा, दोनों ने आपस में एक दूसरे को हराया है। भैया हमारे बारे में क्या बताएं भाई, हम तो भाई हमने भी कुश्ती करी है थोड़ी बहुत, और जितनी मेहनत की भगवान ने उसका फल दिया, हमको सपना था जो ओलंपिक मेडल जीतने, और मेडल जीता हमने, अपने बारे में मैं इतनी बता पाऊँगा, धन्यवाद भाई, अपने बारे में तो मैं नहीं बता पाऊँगा इतने, अपने बारे में बताने वाले और बहुत ज़्यादा होंगे भाई। नरसिंह के बारे में मैंने बोल दिया, बहुत बार बोल दिया, नरसिंह यादव हिंदुस्तान के बहुत अच्छे पहलवानों में गिने जाते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, ओलंपिक में क्वालीफाई भी किया था, पर किसी कारणवश आप कैसे कुछ भी लगा सकते हो कि उन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा, वो ओलंपिक में नहीं जाने पाए, उनका भी सपना था ओलंपिक मेडल जीतने का, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, अब उनका 4 साल का बैन खत्म हो चुका है, अब ओलंपिक की ट्रायल भी होंगी, यहाँ से पहले क्वालीफाई के लिए अब इंडिया में भी ट्रायल होनी है, उसको मौका मिलेगा दोबारा, और एशियन गेम्स का ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है नरसिंह यादव, ओलंपिक भी हमारे साथ में खेला है नरसिंह ने, बहुत अच्छा पहलवान भाई। भाई सत्यव्रत कादयान बहुत बढ़िया पहलवान, 97 के जी का मौसम, और सत्यव्रत बहुत ज़्यादा कुश्तियाँ हुई हैं, बहुत अच्छी लड़त है उसकी, और हाँ भाई एक बात है, सत्यव्रत कादयान में प्रतिभा थी और अभी भी है, और साक्षी मलिक के पति हैं वो, एशिया चैंपियनशिप में मेडल जीता उन्होंने, बहुत अच्छे पहलवान हैं, अर्जुन अवार्डी हैं। भैया मेरे आर्टिकल नहीं आते सोशल मीडिया पे, जो मैं बोलता हूँ दिल की बात बोलता हूँ भाई, चेतक अशोक और मैं क्या, आप भी सभी को देश के लिए खड़ा होना चाहिए, बोलना चाहिए, हमें चुप नहीं रहना चाहिए कोई देश की बात आती है तो, क्योंकि अगर देश के लिए हम खेल सकते हैं, देश के लिए बोल भी सकते हैं, देश के लिए खेलना बहुत बड़ी बात है, पर देश के लिए जो अच्छा या बुरे, जो देश के खिलाफ जो षड्यंत्र रचते हैं, उनके लिए भी हमें बोलना चाहिए, उसके लिए भी हमें लड़ना चाहिए, हमारी देशभक्ति हमें यहाँ भी दिखानी चाहिए। नहीं भैया नितेश नरवाल मैं नहीं खेल रहा भाई, ओलंपिक 2016 लास्ट ओलंपिक था मेरा, उसके बाद मैंने कुश्ती नहीं की, और भाई जितने भी महाराष्ट्र के पहलवान हो आप सभी, जब तक लॉकडाउन है आप घर में प्रैक्टिस कीजिए,
इकट्ठे कहीं भी ना हो, इसको सीरियस लीजिए आप। इतने आसान ये बीमारी जो पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से जो महामारी फैली हुई है, जो चाइना की वजह से ये वायरस आया है, पूरी दुनिया में तबाही मचाई हुई है, आप घर पे रहिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए। भाई मुकेश खत्री भी बहुत बड़े पहलवानों में रहे हैं ग्रीको रोमन में, वो आजकल यूएसए में हैं, आजकल वो वहीं की नागरिकता ले चुके हैं। और हमने उन 2004 का ओलंपिक साथ में खेला था खत्री पहलवान के, हमारे सीनियर पहलवान हैं, बहुत अच्छे पहलवान रहे हैं ग्रीको रोमन स्टाइल के। भैया कोरोना की वजह से मैं बात कर रहा था कि आप घर पे रहो, बाहर ना निकलो जब तक ये बीमारी कंट्रोल में नहीं रहती, जब तक इसकी दवाई नहीं बन जाती। और हर रोज केसेस बढ़ रहे हैं और महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप की खुद जिम्मेवारी बनती है, आप जिम्मेवारी नागरिक बनिए और घर पे रहिए और अपना फर्ज निभाइए। भैया ऐसा तो भैया वो अगर मेरे को नहीं पता भैया कि उनको पद्मश्री नहीं मिला है, पर उनको मिलना चाहिए भैया। अगर ये उनको नहीं मिला तो उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे और सरकार से भी रिक्वेस्ट करेंगे। भाई आज मेरे को आज पहली बार पता लगा है, अर्जुन अवार्ड का तो पता है उनको बाद में मिला अर्जुन अवार्ड, अगर पद्मश्री मैं पता करता हूँ, अगर उनको पद्मश्री नहीं मिला तो भाई इस बार नहीं तो अगली बार उनके लिए हम फेडरेशन की तरफ से अप्लाई करवाएंगे, और जहाँ तक होगा भाई उनको पद्मश्री के लिए ज़रूर वो करवाएंगे। पद्मश्री नहीं, बहुत बड़े सम्मान के वो हकदार हैं, उनको वो सम्मान पर, क्योंकि आज के जो सम्मान मिलता है हमें जो सम्मान मिला देशवासियों से, उससे ज़्यादा सम्मान के हकदार हैं, क्योंकि ओलंपिक मेडल जब उन्होंने जीता जब तो वो सुविधाएँ कुछ भी वो चीज़ें नहीं थी। पर आज आपके माध्यम से मेरे को ये पता लगा पहली बार, मैं झूठ नहीं बोलता कि मेरे को पता था, बस ये मेरे को ये पता कि उनको अर्जुन अवार्ड अभी काफ़ी लेट मिला था। अगर नहीं है तो वो उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे और सरकार से भी अनुरोध करेंगे और सरकार से उनको लेटर भी लिखेंगे, वो इंडिविजुअल भी लिखेंगे और फेडरेशन की तरफ से भी लिखवाएंगे कि उनको पद्मश्री जो जिस चीज़ के हकदार होंगे सम्मान उनको मिलना चाहिए। भाई जितने भी ठीक है भैया, जितने भी खिलाड़ी हैं आप सभी, भैया नुकसान किसी को भी नहीं है 2020 ओलंपिक का, अगर वो 21 में होते हैं तो नुकसान नहीं है। आप उसको पॉजिटिव वे में ले, सकारात्मक दृष्टि से आप उसको देखिए कि हमें एक साल का और मौका मिला अपनी कमियां दूर करने का, उसको सुधारने का। जिस पहलवान ने क्वालिफाई कर लिया वो तो फाइनल हो चुका है 2021 के लिए, तैयारी करे उसको, गलत उसमें ना ले, किसी को नुकसान नहीं हुआ है। कि भाई नुकसान तब होता था भाई ओलंपिक होते ही ना, रद्द कर दिए जाते तब नुकसान होता, अभी तो 2021 में है ये, इसलिए इसको अच्छे तरीके से सोच के लें कि भाई 2021 के लिए में है, हमें और टाइम मिला जिस पहलवानों ने, चार पहलवानों ने क्वालिफाई किया है, तो वो सोच के लें कि भाई इसका बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा मिलेगा और जो हमारी कमियां हैं वो दूर करने का मौका मिलेगा, हमें और ताकतवर और समझदार और कुश्ती सीखने का मौका मिलेगा। भैया राजनीति में क्योंकि सेवा करनी है, पुलिस में कभी हम सेवा कर सकते थे, पर वो काम जो हमारे गाँव में देहात में जो दिखते हैं जो परेशानियाँ हैं वो पुलिस में रहते हुए नहीं कर सकते थे। पुलिस में रहते हुए तो हम ये कर सकते थे, कोई पकड़ लिया कोई छोड़ दिया, किसी को लठ मार दिया, किसी को क्या कुछ, ये वो चीज़ें थी। पर या गांव की देहात है, पानी की है, बिजली की है, दिखते हैं, और वो राजनीति में आगे हो सकती हैं। हम कितनी बार लोगों की समस्या लेके हर बार ऐसी जाएंगे, वो फिर फर्क उस चीज़ का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, इसलिए उस चीज़ में आना बहुत, अगर वो हमें समाज सेवा करनी है तो फिर उस चीज़ में आना पड़ता है इंसान को, और मेरा वही रीज़न था। भैया कुश्ती में ओलंपिक में मेरा मानना है कि हमारे 2 या 3 मेडल आ सकते हैं, अभी तो 4 पैरों ने क्वालिफाई किया है। हाँ भाई प्रोटीन सोपम आने वाला 2019 में, उसके लिए मैं आज भी सॉरी मांगता हूँ, अगर वो आप ही हो तो शेखर संसग आप ही हो तो मान नहीं पाया, पर मैं जरूर आऊँगा, वो आपकी मेरे पे उधार बाकी है, वो उधार जरूर चुकाऊंगा मैं। 2019 की वजह मैं नहीं आ पाया था, उस टाइम पे इलेक्शन का दौर था, कुछ ऐसी चीज़ें थी इसलिए, पर मैं आपको ज़रूर आऊँगा, जो आपके जो मेरे पे उधार है उसको जरूर पूरा करूँगा मैं।
भैया मैंने संदेश दे दिया है, चलो ठीक है भाई आप सभी मेहनत कीजिए और जितनी पहलवान है वो टेक्निक पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, टेक्निक करो, क्योंकि एक जब बच्चा प्रैक्टिस स्टार्ट करता है तो उसको सीखने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए आप टेक्निक प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जब आप लॉकडाउन के बाद अखाड़े में जाना स्टार्ट करो तो डेली डेढ़ या दो घंटा कम से कम आप टेक्निक प्रैक्टिस जरूर कीजिए, एक टाइम आपको टेक्निक प्रैक्टिस करनी है, एक टाइम पावर ट्रेनिंग और जोर सब कुछ जो भी है वो, पर आपको हर रोज़ टेक्निक जरूर करनी है, क्योंकि मेहनत टेक्निक से ही आप में सुधार आएगा, आपकी टेक्निक लगाने में, बचाव अटैक डिफेंस बचाव करने में। भाई रफीक पहलवान बहुत बढ़िया पहलवान, अभी पीछे मेरी मुलाकात हुई थी, मैं वहाँ पे गया था कर्नाटक में गया था भाई, मैं वो नाम भूल गया मैं उस जगह का, बहुत अच्छा पहलवान है, ग्रीक रोमन का पहलवान है, उम्मीद है कि आगे और प्रैक्टिस करेगा देश के लिए और मेडल जीतेगा। भैया अब तो काम ही रहा है इलेक्शन मारने बाद, तो चुनाव लड़ना है, जीतना है, हारना है, और हार जीत तो बचपन से लगी हुई है सभी के साथ, मेरे साथ भी लगी है, आप पूछती आप खिलाड़ियों को आपके साथ भी, और कभी भी इंसान को हार या हार से घबराना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए, और जीत से ज़्यादा खुश नहीं है, जीत मिलने से ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए इंसान को, एक अपना वो बना के रखना चाहिए। भैया मैं वेजिटेरियन हूँ, वेज अच्छा है, नॉन वेज को बिल्कुल मैं पसंद नहीं करता, जो बोलते हैं नॉन वेज खाने ताकत बढ़ती है झूठ बोलते हैं, वो भ्रमित करते हैं, ऐसे जैसे कि आप किसी प्रोटीन की दुकान या सप्लीमेंट की दुकान पर जाओगे आपको बोलेंगे कि इससे ये ताकत बढ़ जाएगी, इससे ये ताकत बढ़ जाएगी, ये सारे बिल्कुल झूठ बोलते हैं सरासर, ताकत बढ़ेगी मेहनत करने से, अच्छी डाइट खाने से, आप प्रोटीन है सप्लीमेंट नेचुरल सप्लीमेंट है वो आप ले सकते हो, क्योंकि प्रोटीन अगर हमें बॉडी से वैसे ना मिले तो फिर जो प्रोटीन वो पूरी कर सकता है, पर स्टोराइड से आप बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि बहुत से खिलाड़ियों ने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की है, कुछ पहलवानों का देहांत भी हुआ है मतलब डोपिंग लेने की वजह से, इसलिए कोशिश करो कि इन चीज़ से दूर रहे। कुश्ती मल्लविद्या इस पर मेरे को बहुत खुशी है आप लोगों से मैं जुड़ा हूँ इसके माध्यम से, इस पेज के माध्यम से मेरे को बहुत अच्छा है, और मास्टर के पहलवानों से खिलाड़ियों से जो जितने भी चाहने वाले कुछ उनसे मिलने का मौका मिला, आपसे रूबरू होना मेरे को मौका मिला। भाई वेज में डाइट दूध दही से तगड़ा तो कुछ खाना है ही नहीं, आप पनीर ले सकते हो, आप मशरूम ले सकते हो, आप सोयाबीन ले सकते हो, दानजी पाटिल जी ले लीजिए, आपको हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, जो भी हमारे से वो ही ले लो, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं हमें, आप बस कामयाब होना चाहिए हमारे खिलाड़ी। नहीं भैया वो पाकिस्तानी सर कुश्ती थे मेरे को, मैं आपको बताता हूँ कि उसमें मेरे को जाती चोट लगी थी नी में 2013 में, तो कुश्ती थी और पूरा साल मैं कुश्ती से दूर रहा था, क्योंकि मेरा लिगामेंट बिल्कुल ख़त्म हो गया था, ग्रेड टू और टीयर था, पूरा साल मैं कुश्ती से दूर रहा था, और जाती कुश्ती में लगी थी मेरे को वो, चलो आपको अच्छी बात अच्छी लगी होगी, मेरे को नहीं लगी, क्योंकि जाती इंजरी हुई और कुश्ती मतलब जिस तरीके की वो हुई नहीं। भाई अब तो इंडिविजुअल में जैसे सुखविंदर मोहतरा सारा भी रहा है, चलो पर फिर भी तेरे को बता ही देते हैं अगर तू पूछ रहा तो। भाई हमारी जो मेहनत देसी मेहनत पहलवानी बोलते हैं, जैसे उठा बैठी है, डंड है, बैठक है, डिप्स है, पेट की कर सकते हैं हम, कोर की कर सकते हैं, सीटअप लगा सकते हैं, रस्सी कूद सकते हैं, घर पे आप जुगाड़ बना लो किसी न किसी चीज़ का, और हिंदुस्तानी जुगाड़ के मामले में जुगाड़ बनाने वाले एक नंबर के होते हैं, आपके घर में कोई भी हो आपका भाई हो उसके साथ आप खड़े खड़े टेक्निक कर सकते हो, वो बेशक पहलवान ही ना हो या आपके कोई जो भी हो पहलवान, बेशक आप टेक्निक तो किसी के साथ भी कर सकते हो, टेक्निक तो आप घर में किसी आपकी माता जी उसके साथ भी कर सकते हो, आपके पिताजी उसके साथ भी कर सकते हो थोड़ी थोड़ी, क्योंकि फिटनेस बनानी बहुत ज़रूरी है, और ये सोच के ना आओ हमेशा कि हम जब लॉकडाउन के बाद अखाड़े में जाएंगे तो और तगड़े होके जाएंगे, ताकत बढ़ाओ आप, क्योंकि आप कहीं जा सकते नहीं, घूमना फिरना फ्री है, घर पे रह के आप ये काम कर सकते हो, इसको इसका फ़ायदा उठाइए आप जितने भी हो, इस बुरे टाइम को भी अच्छे टाइम की तरह देखिए आप। चलो ठीक है जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद,
मेरे को बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके, आपसे जुड़ के, और उम्मीद करता हूँ कि आप जितने भी पहलवान मेरे को लाइव देख रहे हैं, भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप देश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीतो, देश के लिए ज़्यादा से मेडल जीतो, आगे बढ़ो, हिंदुस्तान का नाम रोशन करो। धन्यवाद सुखमिंदर मोर, धन्यवाद, धन्यवाद जी, धन्यवाद भाई। गामा पहलवान के बारे में बता देता हूँ। गामा पहलवान का हमने नाम ही सुना आज तक, उनकी कोई कुश्ती नहीं देखी, पर उनका नाम सुना है कि वो जितने उनकी हाइट थी उतने वो चौड़े भी थे, बहुत बड़े पहलवान हुए हैं, वो विश्व विजेता हुए हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा सुना है हमने भाई कि बहुत तगड़े पहलवान रहे हैं, बहुत ताकतवर थे। भैया इंजरी तो लगती रहती है, मेरे को इंजरी बहुत ज़्यादा हुई है, मेरे दोनों पैरों के ऑपरेशन हुए हैं, राइट नी के दो हुए हैं, लेफ्ट के नी के तीन ऑपरेशन हुए हैं, बैक में मेरे को डिस्क स्लिप हुई थी एक बार 6 महीने L4-5, तब भी मैं 6-7 महीने कुश्ती से बाहर रहा था। बहुत ज़्यादा इंजरी बहुत ज़्यादा हुई है, पर हिम्मत मत हारो आप कभी भी, आपको वो चीज़ जरूर मिलेगी जो आप चाहते हो, क्योंकि भगवान किसी का नहीं रखता, मेहनत कभी नहीं रखता भगवान, अगर आप मेहनत करोगे तो आपको जरूर मिलेगी, इसलिए आप मेहनत कीजिए और कर्म करो, क्योंकि अर्जुन ने बोला गीता में कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, आप कर्म करते रहिए। भाई बेसिक खुद का हुआ, चलो आप मैं बताता हूँ कि वो डोप टेस्ट में वो पॉजिटिव आए थे, पर वो खबर आई, वो पता लगा 2016 में दोबारा सैंपल थे जो दोबारा चेक हुए तब आए, पर तब तक उनका देहांत हो चुका था, 2013 में ही उनका देहांत स्वर्गवास हो चुका था, बेसिक खुद दुखा होगा। और जब पता लगा मेरे को बहुत ज़्यादा, एक पता ये था कि वो मेडल सिल्वर हो गया, फिर मेरे को माँ वो तो है ही नहीं आज इस दुनिया में जिसका मेडल मुझे मिलेगा सिल्वर, फिर मैंने फैसला लिया कि भाई वो मेडल उसके परिवार के पास ही रहना चाहिए, क्योंकि उसके परिवार के पास बेसिक के माता पिता, उसकी मिसेज वाइफ भी थी, धर्मपत्नी, उसके बच्चे भी थे, यादें ही थी उसके पास, वो मेडल उन यादों में ही था, मगर फिर इसलिए मैंने ये वो था कि भाई मेरे को मेडल नहीं चाहिए, वो मेडल उसके परिवार के पास ही रहे जिसके सहारे, जिसके वो यादें हैं, क्योंकि इंसान जाने के पास उसकी यादें ही, उसके मेडल हो कुछ भी हो, उसकी चीज़ें उसके याद बन के रह जाती हैं, इसलिए मैंने वो था कि भाई मेरे को मेडल नहीं, क्योंकि और ओलंपिक मेडल मेरे को मिल चुका था, और जो अनुभव जो अच्छा वहीं मिलता है, जो ओलंपिक में जो चीज़ मिलती है वही अच्छी लगती है, बाद में ये कुछ वो ज़्यादा वो नहीं है। दीपक अनुसैया प्रसाद भारद्वाज जी आए हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लाइव हो, बहुत बढ़िया, आप मतलब आप देख रहे हो मेरे को। भैया मेरे तो सभी पार्टनर हैं भाई, हम तो ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर भाई, सभी अपने हैं भाई। मैं कोच साहब के बारे में बताऊं कि मेरे पहले गुरु मास्टर सतबीर थे गांव में, जो रागनी गायक भी थे और मास्टर भी थे और मेरे कुश्ती के गुरु भी थे गांव में, मतलब और भी थे, राज सिंह सिकारा थे, रणबीर चहल थे, उसके बाद मैं स्टेडियम में महाबली सतपा पहलवान के पास गया, वहाँ पर राम फरमान कोच साहब, यशवीर डबास जी, दोनों इधर द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, प्रदीप कोच साहब थे हमारे, चरणदास पहलवान जी, जो बचपन में मैच पे मेरे को सुशील वो बहुत ज़्यादा टेक्निक में साथ हमारे दोनों साथ करते थे, हमें दोनों बहुत गालियाँ भी देते थे, वो खुद हमें मैच मिट्टी में हमारे साथ कुश्ती लड़ते थे, जोर करते थे, हमें दाव लगाते रहते थे, क्योंकि हम बच्चे थे 30-35-40 किलो के थे। हाँ भाई कैम बहुत जगमंदर पहलवान कैम में रहे हमारे साथ, अर्जुन वाड़ी पहलवान बहुत बड़े ओलंपियन थे, विदेशी कोच हैं जैसे ये व्लादिमीर हैं, 2003 से हमारे साथ रहे, 2016 तक, इनका बहुत बड़ा योगदान है, और मेरा तो मानना है कि ज़िंदगी में कोई एक अगर एक भी दावे बताते तो मैं बहुत ज़िंदगी में बहुत बड़ा उसका योगदान रहता है, इसलिए मैंने बताया कि मेरे पहले गुरु मास्टर सतबीर जी की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, अगर वो अखाड़ा ना चलाते वो मेरे को ना बोलते कि रोज़ आया अगर तो शायद मैं ना आता। उसके बाद दिल्ली में गया महाबली सतपाल के अखाड़े में, वहाँ पर राम फरमान को सब हैं, यशवीर डबास जी थे जो यहाँ पीछे स्वर्गवास हो गया, इनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ आपके साथ में लाइव हूँ, क्योंकि मैं लाइव भी इसीलिए हूँ कि मैं कुछ इन लोगों की बदौलत मैं कुछ आज बना हूँ, इन्होंने अपना पूरा आशीर्वाद पूरी डांट डब से यहाँ तक पहुँचाने बहुत बड़ा योगदान है इन लोगों का, इसलिए हमारे साथ जो भी है हमारे कोचेज जिसने भी यहाँ तक हमें पहुँचाने में योगदान दिया कभी भी उनको नहीं भूलना चाहिए, और इन भगवान होते हैं गुरु माता पिता और गुरु, ये तीनों भगवान होते हैं,
इसलिए नहीं भैया मेरे को योगी दत्ता नहीं भाई, मत दत्त बोलते हैं, योगी दत्त DUTT दत्ता नहीं भैया, दत्ता नहीं बोलते। नमस्कार भैया सबको नमस्कार। भैया महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा किया है कि जो तीन बार महाराष्ट्र की एसी बन जाए वो उसको सीधा DSP लगाते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं है। ये काम बहुत अच्छा किया है और खेलों के लिए महाराष्ट्र सरकार ही बहुत बढ़िया कर रही है। बस यही है कि मैं महाराष्ट्र सरकार से ये अपील करता हूँ आज इस आप लोगों के माध्यम से कि जो जूनियर बच्चे हैं ग्रास रूट पे काम करें, जो छोटे गांव देहात में जो अखाड़े चलते हैं, जो सेंटर चलते हैं किसी भी गेम के हों, वो सेंटर चलता हो उन पे ध्यान दें, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो सब जूनियर जूनियर बच्चे हैं वो उनको वो सुविधाएँ नहीं मिल पाती, सीनियर में जाने के बाद वो सुविधाएँ मिलती हैं। पूरे हिंदुस्तान में ये है, अगर बचपन से बच्चे को अच्छी सुविधा मिले तो बच्चा और अच्छा कर सकता है और अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, अगर बच्चे को स्टार्टिंग से ही अच्छी सुविधाएं मिले तो। चलो ठीक है भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना मेरे को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहे, भगवान आप सभी का भला करे। जय श्री राम। जय श्री राम।